हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने समझा कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि मोल जो टर्म है वो कहाँ से कॉइन हुई, किसने कॉइन किया उसको टर्म को, और प्लस हम इसकी फॉर्मुलेशन भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से हम मोल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मोल जो हमारा मोल है, मोल एक लेटिन वर्ड है, एक लेटिन वर्ड है जिसको कॉइन किया गया था विलहेम, विलहेम। ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं विलहेम, इन्होंने कॉइन किया था, विलहेम ऑस्वाल्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हम इनको चाहे सिंपल ऐसे ही नाम लिख लें, विलहेम ने कॉइन किया था कि एक मोल, ठीक है। मोल का मतलब था उस टाइम पे क्या, अभी भी हीप, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं पाइल। हीप और पाइल का मतलब क्या होता है, ढेर लगना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ढेर लगा हुआ, इतने सारे एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ एटम्स है, यहाँ पर बहुत सारा क्राउडेड है एटम्स है ये पोर्शन। तो दिस इज, इसको बोल दिया उन्होंने हीप। इसको क्या बोल दिया उन्होंने, हीप। अब ये एटम्स के इतने सारे हीप को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसीलिए उन्होंने बोला मोल, इसलिए उन्होंने नाम यूनिट क्या दे दी, मोल। फाइन, ठीक है। तो अब एक मोल को तो आपको पता लग गया कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स। क्लियर है ये बात, इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं वो पार्टिकल्स। फाइन, ठीक है। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें, और इसको मैंने बताया था कि एवोगाड्रोस नंबर बोला जाता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, Na पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स इज इक्वल टू वन मोल। फाइन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na पार्टिकल इज इक्वल टू वन मोल। अगर मुझे एक पार्टिकल के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एक पार्टिकल के लिए मैं क्या करूंगी, इसको उठा के इसके नीचे ले जाऊं तो यहां पे वन पार्टिकल रह जाएगा। वन पार्टिकल इज इक्वल टू वन अपॉन Na, वन अपॉन Na मोल। और अगर मुझे n पार्टिकल्स के लिए निकालना हुआ तो फॉर n पार्टिकल्स इट इज n अपॉन Na मोल, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मेरी फॉर्मुलेशन होगी n अपॉन Na मोल की। अगर मुझे n पार्टिकल्स के लिए निकालना है तो मेरे पास ये फॉर्मुलेशन होगी कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स, जिसको मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, ये क्या है आपका मोल, ओके। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स या फिर क्वांटिटी, जितनी भी गिवन क्वांटिटी होगी आपको, डिवाइडेड बाय Na। दिस इज एवोगाड्रोस नंबर जो कि आपका n रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ये फॉर्मूला नंबर वन, सबसे पहला फॉर्मूला। जब आपको किसी की क्वांटिटी गिवन है, आपको गिवन है कितनी क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल 30 एटम्स ऑफ सोडियम, है ना, उसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, क्लियर है। इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं 40, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 46 एटम्स ऑफ सोडियम। क्वेश्चन फर्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं कि कितने मोल्स प्रेजेंट है 46 एटम्स में सोडियम के। तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, मोल का फॉर्मूला कहते हैं n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। तो गिवन पार्टिकल्स हमें कितने हैं, 46 एटम्स हमें गिवन है, तो लिख लीजिए 46 एटम्स। Na आपको पता है कितना होगा, 6.022 × 10²³, इतना आपको गिवन है, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके n की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और इसका आंसर जो है आप मुझे, इसका आंसर जो है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना देते हुए आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं एक मोल के अंदर जान लिया, है ना। हमने पता किया कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स, ये बात हमें पता लग गई, क्लियर है। उसी तरह से हमने फाइंड आउट किया था कि 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स,
ये बात भी मुझे पता लगी थी, ठीक है, जब हम हाइड्रोजन वाला केस कर रहे थे तो हमने ये फाइंड आउट किया था। उसी तरह से मैंने ये फाइंड आउट किया था, सॉरी 23 ग्राम सोडियम भी किसके इक्वल था, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स के इक्वल था कि नहीं, बिल्कुल था, इसके इक्वल था, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जब हमें ये चीजें पता लगी थी तो इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह मैं वन मोल पुट कर सकती हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू वन मोल, बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल लिख सकती हूँ। उसी तरह से अगर मैं बोलू 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू वन मोल, करेक्ट, फाइन, ठीक है, चाहे हम उसको एटम्स में लिखें चाहे हम उसको ग्राम्स में लिखें, तो हम उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से बोला जाए कि वन ग्राम, हमारे पास बोला जाए 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू वन मोल, ओके, अगर मैं बोलूं कि मेरे को बताओ कि 46 ग्राम सोडियम कितने मोल के इक्वल है, तो मैं इसके लिए क्या फाइंड आउट करूंगी, कैसे इसको फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। तो यही चीज निकालने के लिए ग्राम का मोल के साथ, ग्राम का मोल के साथ कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं उस फॉर्मूले को। मैंने बोला वन मोल सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, क्लियर है ये बात। अगर मैं बोलती हूं टू मोल सोडियम, तो इसका मतलब 2 × 23, बिल्कुल। उसी तरह से मैंने बोला 3 मोल सोडियम, 3 × 23, करेक्ट होगा। अब देखिए इन तीनों चीजों में, इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर आपके पास क्या चीज कॉमन है, इन तीनों इक्वेशंस में आपके पास क्या चीज कॉमन है, 23 23 23। तो अगर मुझे कोई आंसर करना है तो वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसको लेकर करना है, 23 को लेकर करना है, ओके। तो यहां से हमारी एक फॉर्मुलेशन बनती है कि जो भी आपको मास गिवन है उसको आप डिवाइड कर दो अपनी रेफरेंस वैल्यू से, क्लियर है ये बात। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मैंने बोला कि 1 dozen इज इक्वल टू 12 आर्टिकल्स, मैंने ये बात बोली आपको, 1 dozen कितने आर्टिकल्स के बराबर है, 12 आर्टिकल्स के बराबर है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 24 आर्टिकल्स हैं, तो आप क्या करोगे, डजन बताओ भाई, डैश डजन बताओ कितने डजन है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने यहां पर क्या किया, हमने किया कि हमने 12 को, जो आपके साथ 24 को किससे डिवाइड कर दिया, 12 से, क्योंकि 12 यहां पे क्या है, आपकी रेफरेंस वैल्यू है, क्लियर है ये बात। उसी तरह अगर मैंने आपसे बोला कि 1 मोल सोडियम 23 ग्राम्स के इक्वल है, 2 मोल सोडियम 2 × 23 के इक्वल है, तो अगर मुझे पता है कि मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है, तो वो कितने मोल के इक्वल होगी, कितने मोल के इक्वल होगी, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, मेरी गिवन वैल्यू, मेरी गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू, मैंने इसको लिख लिया गिवन वैल्यू, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, यहां पे मैंने किससे डिवाइड किया है, रेफरेंस वैल्यू से, स्टैंडर्ड वैल्यू से। तो सोडियम की रेफरेंस वैल्यू क्या है, 23, ये है क्या, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है ना, किसी भी एलिमेंट का उसका खुद का एटॉमिक मास अलग होता है, एटॉमिक मास या फिर और मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लूंगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, आपके एन के इक्वल होगा। तो ये आपके फॉर्मुलेशन होगी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत आसान है, हमें पता था गिवन मास कितना है 46, एटॉमिक मास कितना है 23, एन आपको फाइंड आउट करना था, कैंसिल करके 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया आपका 2, मतलब 2 मोल के अंदर आपका इतने ग्राम सोडियम है, क्लियर है ये बात।